सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सबको मेरा नमस्कार, राम राम। आज हम आठवीं कक्षा में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 33। एक वृत्त लगाओ जो दिए वृत्त ए को बिंदु आर पर घेरे और उसके बाहर दिए बिंदु पी से गुजरे। तो हमें एक वृत्त दिया हुआ है और उसके बाहर बिंदु है पी और उसी में बिंदु दिया हुआ है एक आर। तो हम एक वृत्त ले लेते हैं, ये हमने वृत्त ले लिया है। ये वृत्त आपका है ए, ये वृत्त आपका ए है। अब ये कह रहा है कि इस पे बाहर एक बिंदु दे रखा है, परिधि पे दिया हुआ है, ये बिंदु आपका है आर। ठीक है जी, बिंदु ये वृत्त ए पर एक बिंदु दिया हुआ है आर और इसके बाहर एक बिंदु दिया हुआ है पी, ये पी बिंदु है। अब ये क्या कह रहा है कि हमने यहां पे ऐसा वृत्त लगाना है जो इसको भी आर को भी छुएगा और पी को भी छुएगा। तो हमने क्या करना है, आर पी को आपस में मिला देते हैं। इस तरह से, और हमारे पास ये रेखा आ रही है, इस रेखा का हमने समद्विभाजन कर देना है। ये आप देख सकते हैं, और अब हमने इसको आपस में मिला देना है। डॉटेड हम इसको मिला देंगे इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, जो आपकी एक रेखा है यहां बनेगी ए और आर, ये पॉइंट है, इनको मिला देंगे। ये जो आपकी रेखा आ रही है, इस रेखा को हम बाहर को बढ़ा देंगे और जहां पे ये समद्विभाजन वाली रेखा को काट रहा है पॉइंट, ये आपका पॉइंट है, ये आपका आ गया एन, इसको हम बोलेंगे एन पॉइंट। एन पॉइंट पे हमने प्रकार रखनी है और यहां से पी जितनी प्रकार खोलो चाहे आर जितनी प्रकार खोल करके आपने एक वृत्त लगाना है जो इन दोनों वृत्तों को बिंदुओं को छुएगा और जो आपका पहला आपका वृत्त है ए वृत्त है, इसको घेरता हुआ रखेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ये आपका बन के तैयार हो गया है प्रश्न, और ये है आपका 33 प्रश्न नंबर, ये बन के आपका तैयार। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 34। एक वृत्त बनाओ जो दिए हुए वृत्त ए को बिंदु आर पर और वृत्त के अंदर बिंदु पी पर से गुजरता हुआ वृत्त को छुए। देखो हमने जो प्रश्न नंबर 33 बनाया था इसमें हमें एक वृत्त दिया हुआ था और वृत्त के बाहर बिंदु दिया था पी और एक वृत्त पे ही बिंदु दिया था आर। इसमें क्या है कि एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त पे ही आर बिंदु दिया है, पर इस बार पी बिंदु हमें वृत्त के अंदर दे रखा है। तो हमने कैसे इसके अंदर वृत्त बनाना है, तो हम यहां पे एक वृत्त ले लेते हैं, ये आप देख सकते हैं ये हमारा एक वृत्त आ गया है। इस वृत्त का नाम है वही है जो पहले दिया हुआ था, ये वृत्त आपका है ए। इसके बाद हमें इस पे एक पॉइंट दे रखा है आर, वृत्त पे दिया हुआ है और वृत्त के अंदर बिंदु दिया हुआ है एक पी, ये दो बिंदु हमें दे रखे हैं। हमने क्या करना है, इसमें हमने आर और पी को आपस में मिला देना है इस तरह से, और इसका हमने समद्विभाजन कर देना है आर और पी का, जो रेखा दी है इस तरह से।
हम इसको मिला देते हैं इन चापों को आपस में। इस तरह से अब हमने क्या करना है, जो आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट को आपने आर के साथ मिला देना है यहां पे। आप देख सकते हैं डॉटेड, जहां पे दोनों रेखाएं आपस में कट रही है ये पॉइंट आपका आ गया ओ। अब हमने क्या करना है, ओ पॉइंट पर प्रकार रखो, आर जितनी प्रकार खोल दो या पी जितनी प्रकार खोल के यहां से आपने सर्कल लगा देना है। ये जो सर्कल आपका आएगा ये वृत्त के अंदर रहेगा और दोनों बिंदुओं को छुएगा, ये आर पॉइंट को भी छू रहा है और पी पॉइंट को भी छू रहा है। इस तरह से ये आपका प्रश्न बन गया है, ये प्रश्न नंबर है 4।